हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको शब्द पढ़ाया था, जिसका एक भाग एक था, वो उसमें पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम फिर शब्द भेद ही व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों, उस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और सार्थक शब्दों के, हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों को कितने, किन किन आधार पर विभाजित किया गया है, ये सब मैंने उसमें पढ़ाया था। अब हम आज के इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी कि शब्द भेद के बारे में। तो शब्द को तीन, सार्थक शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट, रचना या बनावट के आधार पर, और या प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ये तीन इसके भेद हैं शब्द के। अब उन्हीं तीनों भेदों को अलग अलग हमें पढ़ना है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। हम पिछली वीडियो में आपको समझाए थे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये चार हमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। अब बच्चों, तत्सम शब्द मैंने पिछली वीडियो में आपको इस तरह से डायग्राम बनाकर समझाया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? कि जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पृथ्वी, सर्प, वायु, मैंने बताया था। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हों उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, हवा, पहला सांप इत्यादि। देश शब्द, जो देश में ही जन्म या उत्पन्न हुए हो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, मैंने बताया था। उसके बाद विदेशी शब्द, वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब हम चलते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द, पहला रूढ़ आता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ये शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बच्चों, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कवि, कवि, तो ये कवि के अगर हम टुकड़े करते हैं, क जोड़ वी, तो इसमें इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। अर्थात कि ये रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। समझ में आया बच्चों? तो रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं। अब हम दूसरे पर आते हैं, यौगिक, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बच्चों, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, पाठ और शाला, इसमें ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के मेल से बन गया पाठशाला।
तो ये शब्द क्या कहलाया? यौगिक शब्द कहलाया। चिड़िया घर है, सब्जी वाला है, देवदूत है, ये सब सारे शब्द जो आते हैं बच्चों, यह यौगिक शब्द आते हैं। अब योग रूट किसे कहते हैं? योग रूट तीसरा है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीसरा भेद है योग रूट। अब योग रूट किसे कहते हैं बच्चों? योग रूट ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हम लिखते हैं हिम जोर आलय, इसमें ये दो शब्द हैं हिम और आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। तो इसका पूरा जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? हिमालय। यहां पर बर्फ का घर हम नहीं कहेंगे, इसको हम बर्फ का घर नहीं कहेंगे, इसके लिए हम एक विशेष पर्वत का नाम हिमालय होता है। तो बच्चों यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर एक विशेष पर्वत का नाम होता है। ऐसे ही शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा एकदम एक और हम परिभाषा ले सकते हैं, एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जलज है, जलज, इसमें हम जल और जोर जौ, जल तो जल ही है और जौ का मतलब होता है जन्मा, यानी कि जल में जन्मा। तो जल में जन्मा इसका जलज हो गया, जल जोर जौ जलज, दो दो शब्दों के मेल से ये बना जलज। किंतु इसका अर्थ जल में जन्मा अर्थात कमल, इसका अर्थ क्या हो गया? कमल हो गया। तो ये योग रूढ़ कहलाया। उसी तरह से मुरलीधर, मुरलीधर में मुरली जोर धर मुरलीधर होगा तो ये कृष्ण कहलाएंगे। तो बच्चों आपने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के बारे में जाना कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके यदि टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ यौगिक की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता हो किंतु उनका अर्थ एक विशेष अर्थ होता हो। तो इस तरह से हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का जाना। अब तीसरा भेद था शब्दों प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, तीसरा भेद था शब्द का प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब बच्चों प्रयोग या व्याकरण के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? कि जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि यह लिंग, वचन, काल के अनुसार इसका रूप बदलता है। इसलिए हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि शब्दों के अंतर्गत आने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कि जिस शब्दों में कभी भी किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, धीरे धीरे धीरे, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब का कोई रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं, इसे हम अव्ययी कह सकते हैं। तो बच्चों आपने क्या क्या जाना इसमें? कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। व्याकरण के नियम सिर्फ सार्थक शब्दों के पर ही लागू होता है और
स्रोत यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। धन्यवाद।